अपने बेबाक बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता रिजपाल मिर्धा एक बार फिर से चर्चा में हैं। डेगाना से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मिर्धा ने सोमवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कहा वो ये बताने के लिए काफी है कि टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के कई दावेदार बागी होकर निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। दरअसल रिजपाल मिर्धा का एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आधी से ज्यादा कांग्रेस अब मेरे पीछे पड़ेगी हराने के लिए और बीजेपी तो पूरी तरह से पीछे पड़ेगी। गौरतलब है कि रिजपाल मिर्धा ने 2003 के विधानसभा चुनाव में डेगाना से भाजपा के दिलीप सिंह को हराकर चुनाव जीता था, लेकिन 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्हें अजय सिंह किलक के सामने हार का सामना करना पड़ा और इस बार वो डेगाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा में टिकट के दावेदारों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और दोनों ही पार्टियों का आलाकमान भी इस बात से काफी चिंतित है कि एक को प्रत्याशी घोषित करने के बाद बाकी दावेदारों को किस तरह से मनाया जाए कि वो बागी होकर ताल नहीं ठोके। रिजपाल मिर्धा का ये बयान भी उनकी यही चिंता जाहिर करता दिख रहा है कि कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी कहीं उनका खेल नहीं बिगाड़ दे। और 4.5 साल में हमारी हाजिरी हर गांव और हर गाड़ी के मायने उतरी रही थी। आप कोनी मैं घरे बैठ गो और अब चुनाव के टाइम आई हूँ, अब देखो ना कई उम्मीदवार देखा बाहर आज और जीत जाता रहे, क्यों जीत ही कारण जाता रहे हवा है, पर बाका चुनाव में हमारा चुनाव में अंतर है। अंतर वो है बिन रहे अच्छी तरह समझ लीजियो, अंतर वो है आधी ज्यादा कांग्रेस मारे लारे पड़ी अराउंड है और बीजेपी तो पूरी पड़ी। सही है, सही है।